आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने तो यही सोचा था कि फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो प्रॉपर हम वाइट बोर्ड पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसकी डाटा स्ट्रक्चर की। क्योंकि ये मुझे पता है कि इस तरह काफ़ी कम समय लग रही होगी, वाइट बोर्ड हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, क्लासेज अब 1 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रही हैं तो तब तक हम ऑनलाइन लेक्चर्स को ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? अ प्रोसीजर दैट कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्सिव प्रोसीजर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, ऐसा प्रोसीजर जो अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या ही है, नेक्स्ट लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा प्रोसीजर जो अपने आप को ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करें, उससे उस प्रोसीजर को रिकर्सिव प्रोसीजर कहते हैं और उस पूरे प्रोसेस को यानी कि कॉल करने के प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच आर प्रोसीजर कॉल इट सेल्फ इज कॉल्ड डायरेक्टली डायरेक्ट रिकर्जन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, प्रोसीजर अपने आप को खुद ही कॉल करता है, ठीक है, उसे डायरेक्ट रिकर्जन कहते हैं। सिमिलरली the process in which a procedure A call another procedure B which in turn call to procedure A is called indirect recursion। ठीक है, और इसी के तरह जैसे कि एक procedure A procedure B को call करे और procedure B दोबारा procedure A को call करे, यानी कि एक chain की शक्ल बनी हो कि A B को call कर रहा है, B दोबारा वापस A को call कर रहा है, तो उसे indirect recursion कहेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट में तो क्या हो रहा है कि ए अपने आप को ही खुद ही कॉल कर रहा है, ठीक है, और प्रोसेस चल रहा है और ये डायरेक्ट रिकर्जन है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि जो ए है वो इनडायरेक्टली अपने आप को कॉल कर रहा है, बी के थ्रू कॉल कर रहा है, ना कि खुद कॉल कर रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिवली इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द रिकर्जन। जितनी टाइम, जैसे हमने लूप में देखा था ना आइट्रेशंस, ठीक है, कि जितनी दफ़ा वो लूप चलती है उसे एक आइट्रेशन कहते हैं, फिर दूसरी दफ़ा चलेगी दूसरी आइट्रेशन। सपोज करें हमने 10 तक कंडीशन लगाई है, 1 से 10 तक, तो 10 आइट्रेशन उस लूप में चलेंगी। इसी तरह जितनी दफ़ा एक प्रोसीजर अपने आप को कॉल करे एक फंक्शन, ठीक है, अपने आप को कॉल करे, उसे डेप्थ ऑफ द रिकर्जन कहते हैं। रिकर्जन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस। द फीचर ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम इटसेल्फ वाज नॉट सपोर्टेड इन ऑल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉर्टन एंड बेसिक। ठीक है, ये जो रिकर्जन है अपने आप फंक्शन का अपने आप को कॉल करना है, ये जो हमारे ओल्डर वर्जन है, फॉर्टन हो गया, बेसिक हो गया और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये सपोर्टेबल नहीं है। ये जो अर्लियर लैंग्वेज है लाइक सी हो गई, C++, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट PHP वगैरह है, तो जावा, ठीक है, इसमें रिकर्जन जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन जो इससे प्रीवियस वर्जन है उसमें रिकर्जन सपोर्ट नहीं करती। बट ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्जन। जैसे मैंने आपको C++, जावा, PHP और इसके अलावा जितने भी हमारे पास मॉडर्न लैंग्वेज है उन सारों में रिकर्जन जो है वो सपोर्ट करती है। द रिकर्जन इज यूज बिकॉज इट इज़ ईजियर टू डिफाइन एल्गोरिथम रिकर्सिवली। ठीक है, रिकर्जन बेसिकली जैसे आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है हमारा काम मज़ीद आसान होता जाता है। ठीक है, अब जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का, तो जब मैंने फिजिकल क्लास में फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर की हमारी क्लास हुई थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम अपने काम को एक छोटे से कोड में और आसानी से जल्दी काम को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह रिकर्जन भी क्या करता है कि रिकर्जन जो है वो हमें कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता, हम उसी कोड को यूज़ करते हैं और बार बार उसको ही कॉल करते हैं डायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, हाउएवर रिकर्सिव एल्गोरिथम डू नॉट ऑलवेज प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि रिकर्सिव एल्गोरिथम हमेशा एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं देता, मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं देता। ठीक है, एफिशिएंट सॉल्यूशन देता है यानी कि अच्छा सॉल्यूशन देता है, लेकिन मोस्ट एफिशिएंट नहीं देता। जब आप आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि हमें एल्गोरिथम में सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि एल्गोरिथम कितना
करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है, कितना एफिशिएंट आंसर दे रहा है। तो इसी तरह जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ठीक है, ये बल्कि मे भी आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर पूछा भी जाए कि रिकर्सिव एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं, तो ये मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं देता बल्कि ये एफिशिएंट सॉल्यूशन दे देता है। इनफैक्ट ऑल रिकर्सिव एल्गोरिथम कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम एंड ऑफ्टन नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम आर परफॉर्म बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी, ठीक है, कि हम जो हमारे रिकर्सिव एल्गोरिथम है उनको इजीली नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिकर्शन बेसिकली हम इसलिए कहते हैं कि हमारा कोड शॉर्ट हो ना कि हमारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो। प्रॉब्लम बेसिकली कोड शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली हम कोड भी वो शॉर्ट करेंगे जिसमें हमारी प्रॉब्लम हो रही हो। बात ऐसे रिकर्सिव एल्गोरिथम की कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो हम उसे इजीली नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी काफ़ी एफिशिएंट वर्क करेगा, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो बेहतर परफॉर्म करेगा जो नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ठीक है। कंडीशन फॉर रिकर्सिव प्रोसीजर, अब कुछ कंडीशन है कि हम रिकर्सिव प्रोसीजर को कहाँ पे और कब यूज़ कर सकते हैं। देर आर टू इम्पॉर्टेंट कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई एनी रिकर्सिव प्रोसीजर, ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन होती है जो कि हर रिकर्सिव प्रोसीजर के लिए सेटिस्फाई होना लाजमी है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा वो प्रोसीजर रिकर्सिव प्रोसीजर नहीं कहलाएगा। दिस कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द रिकर्सिव प्रोसीजर फ्रॉम रनिंग इनडेफिनेटली, ठीक है, दिस कंडीशन आर दैट। अब कंडीशन हमारे पास क्या करती हैं, कंडीशन हमारे पास बेसिकली उस प्रोग्राम को, जैसे हमने देखा था ना लूप इन्फिनिट लूप चल जाती है जो कि बंद ही नहीं होती, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई कंडीशन ऐसी हो जाए कि जो कि कभी फॉल्स ही ना हो तो हमारे पास इन्फिनिट लूप चल जाती है, ठीक है, जिसको बंद करने के लिए हमें पूरा प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा फिर जाके वो बंद होगी। इसी तरह रिकर्सिव प्रोसीजर में भी होता है कि हमारे पास अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो जो हमारा प्रोसीजर है वो इनफिनाइट टाइम रिकर्सिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अपने आप को वो कॉल करता रहेगा, उसे बंद करने का कोई तरीका नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी अ क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द रिकर्सिव प्रोसीजर, ठीक है, इसमें रिकर्सिव प्रोसीजर में हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए अपने जो प्रोसीजर है उसको टर्मिनेट करने के लिए। द कंडीशन एट विच द कंट्रोल एग्जिस्ट फ्रॉम द प्रोसीजर इज नोन एज द बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है, इस कंडीशन को या इस कंट्रोल को जो कि हमारे रिकर्सिव प्रोसीजर को एग्जिट करता है उसे कहते हैं बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है। इस टाइम द प्रोसीजर इज कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द कंडीशन मस्ट गेट क्लोजर टू द बेसिक क्राइटेरिया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि चाहे हमारा प्रोसीजर डायरेक्टली कॉल करें या हमारा प्रोसीजर इनडायरेक्टली कॉल करें, ठीक है, तो जो हमारे प्रोसीजर का बेसिक जो क्लोजर पॉइंट है वो बेसिक क्राइटेरिया के करीब होना चाहिए, ये ना हो कि हमारा प्रोसीजर चलता ही रहे लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहे, उससे क्या हो गया कि ऑब्वियसली हमारे जो प्रोसीजर है या दिक्कत है ना वो इनफिनाइट टाइम चलने लग जाएगी, ठीक है, इनफिनाइट हो जाएगी, और उसको बंद करने के लिए फिर हमें पूरा प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, यानी कि पूरा हमें टर्बो अपना बंद करना पड़ेगा फिर जाके वो ख़त्म होगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ही ले लें जिस तरह लूप होती है, लूप में बेसिकली क्या होता है, हम स्टेटमेंट को रिकर्जन कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स की उसकी लूपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन रिकर्जन में क्या होता है कि हम एक पूरे प्रोसीजर या पूरे फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, पूरे फंक्शन के जो जैसे हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए थे ना तो वो पूरे के पूरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सिव प्रोसीजर, अब इम्प्लीमेंटेशन है रिकर्सिव प्रोसीजर की कि हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। रिकर्सिव प्रोसीजर कैन बी एग्जीक्यूटेड सेवरल टाइम, इट रिसीव वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग प्रोसीजर एंड टर्मिनेट रिजल्ट बैक टू इट, ठीक है, रिकर्सिव प्रोसीजर जो है वो जितनी कंडीशन के हिसाब से सेवरल टाइम वो रन होते हैं, ठीक है, और वो जो कॉलिंग फंक्शन है यानी कि जिसके थ्रू हम उस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं उसके थ्रू वो वैल्यू लेता है, ठीक है, वैल्यू ऑब्वियसली आपको पता है कि हम वो रेफरेंस के थ्रू भी दे सकते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस जो फंक्शन में हम यूज़ करते थे, ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर के तौर पर, फंक्शन के पैरामीटर हमने पढ़े थे जो कि हम फंक्शन के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक
ठीक है, तो उनके ज़रिए हम उसको फंक्शन वो वैल्यू देंगे, और क्या करेगा वो प्रोसीजर जितनी उसकी कंडीशन जिस तरह लगाई होगी हमने उस हिसाब से वो रन करेगा, और उसके बाद वो रिज़ल्ट को टर्मिनेट कर देगा जो कॉलिंग फंक्शन है उसमें वापस। फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग इट मस्ट सेव द पैरामीटर एंड वेरिएबल अपॉन एग्जीक्यूशन एंड रिस्टोर द पैरामीटर एंड वेरिएबल एट कंप्लीशन। ठीक है, कि इस प्रोसीजर को ओबियसली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को अपने जो पैरामीटर हैं या वेरिएबल हैं उसको सेव करना पड़ेगा। ओबियसली एक दफ़ा अगर प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है, वही प्रोसीजर दोबारा चलेगा, तो ये ना हो कि हर दफ़ा शुरू से int i इक्वल टू जीरो ही हो। ठीक है, इस चीज़ को भी हमने देखना है कि हर दफ़ा जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेव होनी चाहिए जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं, और आफ्टर कंप्लीशन वो वैल्यू रिलीज करते हैं जो फाइनल रिजल्ट आएगा। व्हाइल रिटर्निंग वैल्यू द प्रोसीजर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ द रिटर्न एड्रेस इन द कॉलिंग प्रोसीजर। ठीक है, कि जब वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा तो उस प्रोसीजर को जो हमारा कॉलिंग प्रोसीजर है या कॉलिंग फंक्शन है उसका प्रॉपर एड्रेस उसके पास अवेलेबल हो, देन ही वो ऑब्वियसली उसको सेंड कर सकेगा। दिस रिटर्न एड्रेस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू इट्स प्रॉपर प्लेस इन द कॉलिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब वो एड्रेस का क्या काम हो गया कि अगर हमारे पास एड्रेस ही नहीं होगा तो हम फंक्शन जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है उससे बाहर नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो कॉलिंग प्रोसीजर क्या करेगा, वो वापस रियल प्रोसीजर में अपना जो हमने कॉलिंग प्रोसीजर है उसमें रिटर्न करेगा वैल्यू को, या अपने क्या कंट्रोल को वापस उस फंक्शन में रिटर्न करेगा। इट सेव द रिटर्न एड्रेस ऑफ ईच कॉलिंग प्रोसीजर इन द सेम ऑर्डर इन विच इट इज कॉल्ड द कॉल एंड रिटर्न द कंट्रोल टू प्रॉपर प्लेस इन द कॉलिंग प्रोसीजर ई टाइम एंड द कंट्रोल इज रिटर्न। ठीक है, कि हमारा जो रिकर्सिव प्रोसीजर है वो जो मेमोरी एड्रेस है या ट्रैकिंग एड्रेस है वो उसको इसी तरह स्टोर करेगा जिस तरह उसको कॉलिंग फंक्शन में। बेसिकली ये बात इसलिए स्टैक में पढ़ाई जा रही है कि स्टैक में आपको पता है कि हमारा जो वैल्यू जो न्यू वैल्यू आती है, बेसिकली मैंने रखा इसलिए था टॉपिक के आपको उधर वाइट बोर्ड पर समझाऊँगा, लेकिन ये मैं जिस दिन फिजिकल क्लास हुई इसका थोड़ा सा हम रिव्यू पढ़ेंगे इस टॉपिक पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अभी आप लोग इसको समझें। ठीक है, इसको बाकी जो प्रैक्टिकली वर्क है वो मैं आप लोगों को क्लास में बोर्ड पे आपको समझाऊंगा जिस दिन हमारी फिजिकल क्लास होगी। ठीक है, तो बात हो रही थी एड्रेस की, तो स्टैक में ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि स्टैक आपको पता है कि ओपन बोतल की तरह होता है, कि उसमें जब जो लीफो स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जैसे ही जैसे एड्रेस हमारा कॉलिंग फंक्शन में आता जाएगा वो स्टैक में स्टोर करता जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैक में हम ना तो नीचे से कोई चीज़ निकाल सकते हैं ना साइड से। ठीक है, हमेशा टॉप चीज़ उसकी निकलेगी, टॉप पे एटम होगी वो निकलेगी। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो एड्रेस है वो इधर उधर नहीं हो सकता, जो टॉप पे एड्रेस यानी कि लास्ट पे स्टोर हुआ होगा वो फर्स्ट में बाहर आएगा और उसको वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है क्लास, आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, काफ़ी जो है थ्योरिकल थोड़ा सा हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रिकर्सिव प्रोसीजर भी पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये बेसिकली वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, तो इसको लेक्चर को आप एक दो दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।